तो वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। अगर आपको पता नहीं चला होगा तो इस एक डेमो वीडियो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो देख लो। तो जैसे कि अभी आपने स्क्रीन पे देखा है, इस तरीके का एक अजीब सा ट्रेंड इंस्टाग्राम के रील्स पे चल रहा है। अजीब सा ही बोल सकते इसको अभी, क्या इसमें मतलब, कुछ मेरे को इसमें का मतलब ही नहीं समझ में आया। तो ठीक है, अभी आया है ट्रेंड तो इसके ऊपर कैसे बनाना है ट्यूटोरियल बनाना मेरा काम है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो को कैसे बनाना है। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए आपको कोई भी एक वीडियो एडिटिंग का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। आप काइन मास्टर कर सकते हो, वीएन कर सकते हो, या फिर विवा कट प्रो, कोई भी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये नॉर्मल वर्जन है। अगर आपको मतलब विदाउट वाटरमार्क वाला वर्जन वगैरह चाहिए होगा तो आप इसे प्रो वर्जन पे अपग्रेड कर सकते हो, या विदाउट वाटरमार्क वाले बहुत सारे एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप कोई भी एप्लीकेशन एक सिलेक्ट कर लो, एडिट करने का जो तरीका है वो सारे एप्लीकेशन में सेम है। तो काइन मास्टर में अभी आपको, काइन मास्टर एप्लीकेशन में मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर टैप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशो दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको 9:16 जो सेकेंड रेशो यहाँ पे 9:16 शो हो रहा है उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर कॉर्नर में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। तो एड्स को आपको स्किप कर देना है। एड्स को स्किप करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वीडियो है उसे ऐड करना है आपको। तो यहाँ पे एक वीडियो है, यह आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना है। आपको कोई मेहनत वगैरह यहाँ पे करनी नहीं है, इसी वीडियो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। तो ये वीडियो आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपके लिए मैंने ये वीडियो रेडी करके रखा है। आपको करना क्या है, मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसके ऊपर टैप करना है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप पहुँच जाओगे, वहाँ पे मैंने ये वीडियो ऐड करके रखी है। वहाँ से आपको इसे डाउनलोड करनी है, आपके मोबाइल की गैलरी में आ जाएगी। इसके बाद आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे ये वाला वीडियो तो आ गई है। अभी आपको सबसे मेन तो यहाँ पे क्या करेगा, आपको सिर्फ आपकी एक खुद की एक वीडियो चाहिए। अगर वो स्लो मोशन में होगी तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि उस ट्रेंड को वो मैच कर जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये वाली जो वीडियो है इसे ऐड करना है। इस वीडियो को ऐड करने के ये रेडीमेड आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो इस वीडियो को ऐड करने के बाद इसका जो बार दिख रहा है नीचे, इसके सिलेक्ट करना है। जहाँ पे एक वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा है इसे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको एक म्यूट का ऑप्शन दिखेगा, मतलब स्पीकर का ऑप्शन है, उसके ऊपर टैप कर देना है। और राइट हैंड साइड पे आपको ओके का ऑप्शन दिखेगा टिक मार्क का, उसके ऊपर टैप करना है। ये हो जाने के बाद अभी इसके बाद आपको आपकी एक स्लो मोशन वाली वीडियो इसमें ऐड करनी है। तो वो कैसे करनी है, अभी ये वीडियो हो गई तो इसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको एक मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर जाना है। इसमें आपकी जो भी स्लो मोशन वाली वीडियो रहेगी वो यहाँ पे ऐड करनी है। तो मेरे पास मेरी खुद की नहीं है, तो मैं इंस्टाग्राम से मैंने एक डाउनलोड करी थी रील से, तो वो वाली वीडियो मैं यहाँ पे ऐड करके आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो ये वाली वीडियो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। तो ये जो सेकंड आप खुद की वीडियो जो ऐड करने वाले हो, इसको भी सिलेक्ट करके इसका जो वॉल्यूम है इसे आपको म्यूट कर देना है, जैसे पहले वीडियो का आपने किया था। इसके बाद आपको करना क्या है, ये एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में आना है। इसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको एक ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक सॉन्ग्स का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे इस वीडियो के लिए एक बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये बैकग्राउंड ऑडियो जो है वो भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर लिया है, तो ये ऑडियो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल में ये सेव हो जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हो, सॉन्ग्स के ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड ऑडियो जो मैंने अभी रेड कलर में आपको दिख रहा है, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। और यहाँ पे उसके सामने आपको एक प्लस का आइकॉन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑडियो भी आपका ऐड हो चुका है। अभी लास्ट में आपको करना क्या है, ऑडियो जहाँ पे ऑडियो का जो बार है उसे सिलेक्ट करना है, उसे उसके एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद आप देख सकते हो जहाँ पे ऑडियो आपका खत्म हो रहा है उसी लाइन पे ऊपर का जो आपका वीडियो है उसे सिलेक्ट करना है। और उस लाइन पे आपको सिलेक्ट करके राइट हैंड साइड पे आपको एक सीजर का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर टैप करना है। और इसमें सेकंड ऑप्शन दिखेगा ट्रिम टू द राइट ऑफ प्ले हेड, इसके ऊपर टैप करना है, मतलब राइट साइड का जो भी हिस्सा है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। बस इतना ही करना है, और इतना हो जाने के बाद आपका ये जो वीडियो है, ये जो रील है यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो अभी आपको सिर्फ इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए राइट हैंड साइड पे आपको एक अपवर्ड एरो दिखेगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी रिजोल्यूशन है उसे सिलेक्ट करना है, और नीचे आपको एक सेव वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर सिंपली टैप करना है। सेव वीडियो के ऑप्शन पर आप जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको स्किप करना है, कट नहीं करना। राइट हैंड साइड पर जो स्किप का ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करना है। स्किप करने के बाद यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। एक बार ये एक्सपोर्ट हो जाएगा तो आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे एज अ
इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पे आप इसे अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।